मैडम, आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी? किस्मत वाले हो जो बच गए, वरना मुझे ब्रेक पर पैर रखने की आदत नहीं। खाना टेबल पे रख दो और दो बोतल पानी की ले आओ। और सुनो, सुबह की चाय कितने बजे लाओगे? जितने बजे आप हुक्म करेंगे सरकार। राज की क्या क्या तारीफें करूं, मार धाड़ का मैदान हो या गीत संगीत का रंगमंच, किसी को टिकने ही नहीं देता, हर चीज में अव्वल। आओ शेरवानी में जितनी परेशानियां निकालता हूँ तुम्हारी, आओ भगवाने चलते हैं। आओ, आओ, कोई रोको, निकल जाए यहाँ से। अरे अंधी है क्या? अंधी है। ए मैडम, आंखें फूट गई है क्या तुम्हारी? किस्मत वाले हो जो बच गए, वरना मुझे ब्रेक पर पैर रखने की आदत नहीं है। तो फिर एक काम करो, अपने बाप से कहो कि तुम्हें एक हवाई जहाज ले दे, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त ब्रेक पर पैर और जुबान पर लगाम बहुत जरूरी है। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? एक जिद्दी, घमंडी और बेवकूफ लड़की से। आउट। इडियट। सर, एक आदमी आपका कार लेकर आया है। ओ हाँ, भेजो उसे। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू। सॉरी सर, कल मेरी वजह से आपकी गाड़ी का कांच। बरसों बाद किसी मर्द के जुनून का सही इस्तेमाल होते देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ रहते हो बेटा, कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? जी अकेला हूं और मंजिल की तलाश में हूं। समझो मंजिल तुम्हें मिल गई। आओ, तुम्हें एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ मिलाता हूं। आओ। ये है बाबा ठाकुर, मेरे गुरु। आज बलराज दत्त जो कुछ भी है, इन्हीं की बदौलत है। जब मैं छोटा था तो मेरे साथ एक अजीब सी घटना घटी। घटना नहीं, हादसा था वो। मैंने देखा, रो मत बेटे, रो मत, अब घर की जिम्मेदारी तुझ पर है। हेलो, मत मारो, मत मारो। मारिए साहब, मारिए मुझे, मगर आप ही बताओ साहब कि इस चादर की जरूरत उस मुर्दे को ज्यादा है या इस जिंदा लड़की को? बेटे, कौन है ये, क्या लगती है तेरी? कोई नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं कि ये कौन है। बस इसको बुरी हालत में देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए पाप कर बैठा। बेटे, तूने पाप नहीं, बहुत बड़ा पुण्य किया है। क्या नाम है तेरा? आज से दुनिया तुझे बलराज के नाम से जानेगी। सुनो, आज मेरे खून का एक एक कतरा बाबा ठाकुर के एहसानों का कर्जदार है। कल जब मैंने तुम्हें एक अनजान लड़की के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हुए देखा, तो मुझे तुम्हारे अंदर एक बलराज दत्त नजर आया। मैं चाहता हूं बेटे, तुम हमारे साथ इसी घर में रहो, यहां तुम्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। जी। हाँ तो साहब, आप सोच रहे होंगे ड्रेस पायलट का और घर का नौकर। बाय द वे, बचपन से पायलट बनने का शौक था, वो तो पूरा नहीं हुआ, बस ड्रेस पहनकर घर के रनवे पर घूमता रहता हूँ। बाय द वे, आप साहब के रिश्तेदार हैं? जी नहीं। तो आप साहब को पहले से ही जानते होंगे? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं? कुछ नहीं।
कुछ नहीं तो आप यहाँ क्या करेंगे? पता नहीं। हाँ पता नहीं, आइए आइए ये देखिए। चलिए साहब ने खास लोगों के लिए बनवाया है गेस्ट रूम है। रूम में जो मार्बल है ना वो इटली के है। बाथरूम में जो टाइल्स है ना वो सिंगापुर से मंगवाए हैं। और ये जो कांच लगे हैं ना ये अपना बेल्जियम के हैं। और जो ये कारपेट लगे ना ये खास अरब से मंगाया है। हाँ ये खास सिर्फ आप मेहमानों के लिए। साहब अगर किसी चीज की जरूरत हो तो घंटी एक बार मारना। गुड डे। अरे ये चौथी प्लेट किसके लिए? कौन आ रहा है पापा? पायलट जी। सर जाके राज को बुला के लाओ। यस सर। ये राज कौन है? Another point most parents make is that kids used to spend a lot of more time with family and friends than they do now. साहब ने आपको खाने पर बुलाया है। एक काम करो, साहब को बोलो मैं खाना अभी नहीं खाऊंगा, कसरत के बाद खाऊंगा। ऐसा करो तुम खाना यहीं ले आओ। आप खाना अलग तरीके से खाते हैं? नहीं, आपकी तरह मुंह से खाता हूँ। ओ मुंह से। जाइए खाना लेके आइए। ओके सर। जाइए बेवकूफ कहीं का। साहब उन्होंने अपना खाना कमरे में मंगवाया है। किसका खाना डैडी? ठीक है राज का खाना कमरे में भेज दो। यस सर। ये बस स्टॉप वाला लोफर यहाँ। 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 खाना टेबल पे रख दो और दो बोतल पानी की ले आओ। और सुनो सुबह की चाय कितने बजे लाओगे? जितने बजे आप हुक्म करेंगे सरकार। तुम वही हो ना वो जिद्दी घमंडी लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपने घर में हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये आप अपने पापा से पूछिए। और सुनो सुबह की चाय जरा जल्दी ले आना, ठीक है? थैंक यू। जानवर पालने का शौक हो गया उन्हें, कहती हूँ चिड़ियाघर ही खोल ले। 54 क्या बेवकूफ पैसेंजर है, रात को नींद नहीं आती है, गाना सुबह बंद करने को बोलता है, कल को बोलेगा ये झाड़ उठाकर फेंक दो, इस घास को दूध पिलाओ, कहेगा मेरा चेहरा पसंद नहीं है, ये पहला आदमी धरती पर देखा है जिसको संगीत से नफरत है। क्या हुआ पायलट, तेरा सर क्यों बिगड़ा हुआ है? क्या बोलूं मैम साहब, अच्छा भला गाना सुन रहा था, बार आकर बोलता गाना बंद करो, मैं संगीत से नफरत करता हूँ, अगर उसको संगीत से नफरत है तो मुझे संगीत से प्रेम है। बेसुरा कहीं का। तो उसे संगीत से सख्त नफरत है। बाय मम्मा। पायलट, पायलट। जी मैम साहब। मेरा लाल कोट और जूस रेडी किया? जी हाँ। और डांस रिहर्सल के लिए टेप और टेप रिकॉर्डर? गाड़ी में रख दिया। कैसेट वही है ना? जी हाँ। कुछ भूल गए तो देख लेना। आंखें खोल लीजिए, आप सही सलामत है। तुम? शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया था माय फुट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आप गलत समझ रही हैं, मैंने आपको छुआ नहीं है, पकड़ रखा है, वरना आप तो। छोड़ो मुझे। Are you sure? I said leave me. जैसी आपकी मर्जी। You idiot. पापा मैं उस गुंडे को इस घर में एक मिनट नहीं रहने दूंगी, बदतमीज तो पहले ही था, आज कमीनेपन पर भी उतर आया, उसे मेरी कमर में हाथ डाला पापा, और पापा जस्ट थ्रो हिम आउट, उसे घर से इसी वक्त निकाल दीजिए। क्या आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो पायलट से पूछ लीजिए। पायलट। जी मैम साहब। पापा को सच सच बताओ, वही हुआ था ना जो मैंने कहा? क्यों भाई क्या बात है? सीढ़ियों से गिरी ये, संभाला उसने, थप्पड़ खाया मैंने। पायलट यू ब्लडी इडियट। पापा इधर आओ। माय डियर डियर कोमल, उस शरीफ लड़के को इस घर से निकालने का कोई और तरीका ईजाद करो।
बलराज दत्त, मैं जोरावर बोल रहा हूँ। कुत्ते बोलते नहीं, भौंकते हैं। जब कुत्ता बोल ही दिया है तो ये भी सुन ले, तेरे खून की बू सूंघ ली है मैंने दत्त, नहीं समझा? तेरा खून तेरी बेटी। राज, राज जी। कोमल शो की रिहर्सल के लिए कॉलेज में गई है, उसका ध्यान रखना। जी अच्छा। स्टॉप द म्यूजिक। व्हाट इज दिस यार? हाँ? 3 घंटे से एक स्टेप कर रहे हैं, तुमसे सिंपल सा स्टेप नहीं होता? देखिए ये उल्टे सीधे स्टेप्स मुझसे नहीं होंगे, मैं वही करूंगी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। यू फॉलो माई स्टेप्स। देखिए मैडम, आप मुझे मत सिखाइए। और आप भी मुझे मत सिखाइए। जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? आपके कॉलेज वालों ने हाथ जोड़कर बुलाया मुझे। आई एम रॉकी, रॉकी द पॉप स्टार। होंगे अपने घर में, ऐसे हाथ पैर तो कोई बंदर भी मार सकता है। हाँ तो ठीक है, अपने शो के लिए किसी बंदर को बुला लीजिए, जा रहा हूँ मैं। गुड बाय। जाइए जाइए, रोका किसने है? ए कोमल, ये तूने क्या कर दिया? कितनी मुश्किल से हमने इस शो के लिए रॉकी को तैयार किया था, अब कल के शो का क्या होगा? ये बंदर है ना नाचने के लिए। एक कोमल, कॉलेज के शो का मामला है, एक काम कर, तू उस हैंडसम को राजी कर लेना। इसको नेवर। कोमल वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कहा ना नो। तो ठीक है, कल तैयार रहना सड़े हुए अंडे और टमाटर खाने के लिए। तुम सब इतना फोर्स कर रही हो तो कोशिश करूंगी इस गधे को भी नचवाने की। गुड आफ्टरनून पापा, गुड आफ्टरनून मामा। गुड आफ्टरनून। लाइए मैं कर देती हूँ। ओके। पापा, हमारे कॉलेज में एक फंक्शन है। कोई चंदा वंदा चाहिए क्या? नहीं, आपकी कोऑपरेशन चाहिए। ओह, हुक्म कीजिए। हमने एक डांस आइटम तैयार किया था लेकिन मेरा डांसिंग पार्टनर भाग गया। तो तू क्या चाहती है, उसकी जगह तेरे पापा डांस करें? नहीं मम्मा, वो काम तो कोई बंदर भी कर सकता है। कोई बंदर ढूंढ लिया है क्या? हमारे घर में है ना आपका राज, स्टेज पे उल्टे सीधे हाथ पैर भी हिला देगा तो काम चल जाएगा। भाई उसके हाथ पैर हिलाने का एक अंदाज तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन वो संगीत के साथ कैसे हाथ पैर हिलाता है उससे पूछना पड़ेगा। नहीं पापा, टाइम बहुत कम है, आपको उसे राजी करना पड़ेगा, मेरी प्रेस्टीज का सवाल है, प्लीज पापा। ओके ओके, थैंक यू। वाह, कोई माने या न माने सुमित्रा, मैं तो छाती ठोक कर कहूंगा कि कोयले की खान में से हीरा ढूंढ निकाला है मैंने। राज की क्या क्या तारीफें करूं, मारधाड़ का मैदान हो या गीत संगीत का रंगमंच, किसी को टिकने ही नहीं देता, हर चीज में अव्वल। वन मैन शो है ये, वन मैन शो। सच कहा आपने। अब देखिए ना, ये यहाँ कुछ ही दिनों से तो है पर ऐसा लगता है जैसे हमेशा से हमारे साथ ही था। मेरा बस चले तो मैं इसे यहाँ से कभी ना जाने दूं। क्यों कोमल, ठीक कहा ना मैंने? क्या हुआ? हाय क्या पटाखा है यार, ये तो उल्टे हाथ का थप्पड़ था, सीधे हाथ का थप्पड़ शायद तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे जान दे, तू जानता नहीं कौन है ये? बलराज दत्त की लड़की है, इसके मुंह मत लग वरना तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। देखा। हाय कोमल। हाय कोमल। क्या हुआ इसको? अरे यार क्या बात है, तेरा मूड क्यों उखड़ा हुआ है? अच्छा चल बता क्या पिएगी। खून। किसका? राज नाम है उसका, पापा ने उस बंदर को मेरे सर पे बिठा के रखा है, अगर उसका जीना हराम नहीं कर दिया ना तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। ये तो बाएं हाथ का खेल है। हाँ भाई, ओके ओके, हाँ ठीक है। ये लो राज, देखो मैं इस बारे में सारी इंस्ट्रक्शंस दे चुका हूँ, अब तुम्हारा काम है उन पर अमल करना। जी। अरे वाह, इतना बड़ा मोर्चा लेकर आई हो, क्या बात है। अंकल बोलते हुए डर लग रहा है, आप ना तो नहीं कहेंगे? अरे पहले बोलो तो सही, हाँ ना की बात तो बाद में होगी। पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि ना नहीं कहेंगे। देखो
अब तुम तो ऐसी ही प्रॉमिस मांग रही हो, पहले बताओ तो सही बात क्या है। अंकल हम सब कल पिकनिक पर जाना चाहते हैं और कोमल को साथ लेके जाना चाहते हैं। अरे भाई तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जाओ। राज तुम इनके साथ चले जाना। नो पापा, हम सब अकेले जाना चाहते हैं, राज हमारे साथ नहीं जाएगा। नामुमकिन, इतनी सारी लड़कियां जा रही हो और साथ में कोई जिम्मेदार आदमी ना हो, नामुमकिन। राज तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन पापा। नो नो डिस्कशंस, नो आर्गुमेंट्स, राज तुम्हारे साथ जाएगा। ओके, ये लीजिए। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। क्या है? मैं अब डीप वॉटर्स में चली जाऊंगी और फिर डूबने का नाटक करूंगी। पागल हो गई क्या? सुन ना, जैसे मैं चिल्लाने लगूंगी ये इडियट तो आएगा मुझे बचाने। अरे हाँ। जैसे मुझे उठाएगा तुम लोग 4-5 फोटोग्राफ्स ले लेना, ठीक है, ताकि मैं पापा को दिखा सकूं कि वो मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा था। हाँ। फिर हो जाएगी उसकी छुट्टी, ठीक है। हाँ। चलो तुम लोग बाहर निकलो, तैयारी करो। कितना हैंडसम लड़का है यार, कोमल की जगह मैं होती ना तो उसे बाहों में लेके किस करती। कैमरा रेडी कर ले यार, अब आएगा मजा। बलराज छोटा बोल रहा हूँ, जोरावर का छोटा भाई बख्तावर। तूने कहा था ना कि अगर तेरी बेटी पर किसी ने नजर डाली तो तू उसे अंधा कर देगा। लगता है कि तेरा दावा पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस वक्त मैं तेरी बेटी के उतना ही करीब हूं जितना तेरे कान से ये फोन कर रिसीवर। बख्तावर, अगर मेरी बेटी को खराज तक भी आई तो। चिल्ला मत बलराज, अपनी ताकत चिल्लाने में नहीं, अपनी बेटी के पास पहुंचने में साया कर। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपनी बेटी का कफन लेकर यहां पहुंचे और तुझे उसके चिथड़े भी न मिले, क्योंकि जिन धमाकों की तू आवाज सुन रहा है ना, ये दिवाली के पटाखे नहीं, असली बंदूक की गोलियां हैं। और एक गोली पर तेरी बेटी का नाम लिखा है, सिर्फ तेरी बेटी का। क्या हुआ मेरी बेटी को? वो ठीक तो है ना? कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दुश्मनी की भेंट मेरी बेटी चढ़ जाए। सुमित्रा, राज उसके साथ है, कोमल को कुछ नहीं होगा। राज, तुम्हें तो गोली लगी है। चलो जाओ।
रात तक यहीं रुकना पड़ेगा, बैठ जाओ। थोड़ा आराम कर लो। क्या हुआ, डर गई? अब सब ठीक है, चलो यहां से। मामा, कोमल, कोमल, मेरी बच्ची। ओह माय गॉड, राज, तुम्हारे हाथ से कितना खून बह रहा है। ये जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, गर्म पानी टॉवल लेकर आओ। अच्छा, माँ जी, चिंता की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा ही खून। मेरे खून को बचाने के लिए अपना खून बहाया है तुमने। मैंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिसका फल भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में दिया है। थैंक यू राज।